बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम करने जा रहे हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है आपके इम्तिहानात के हवाले से, क्योंकि आपके ये जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है हर बार। तो ये न्यूमेरिकल्स आपने इंतहाई तवज्जो से करने हैं। टोटल इसके आपके पास 12 न्यूमेरिकल हैं, तो आज उनमें से 4 न्यूमेरिकल हम करेंगे। 3 दिनों में हम ये चैप्टर मुकम्मल करेंगे। 3 दिन लगाने का मकसद ये है कि आप इस चैप्टर को मुकम्मल क्लियर करें। इसका हर न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। एक हमारा कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। आपका कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसका फासला जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सामने पड़ा है और ऑब्जेक्ट के फासले को P से शो करते हैं और वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, सामने पड़ा हुआ है। फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब इमेज जो है वो मिरर के पीछे बांध रही है, इमेज के फासले को Q से शो करते हैं और पीछे बांध रही है, तो वो माइनस में होगी, -5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करनी है मिरर की फोकल लेंथ, एफ हमने मालूम करना है। इसके लिए फार्मूला आपका होता है मिरर फार्मूला, 1/f = 1/p + 1/q। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, 1/10 प्लस और इसके साथ माइनस है तो -1/5। हमारा एलसीएम आ जाएगा 10, 1 - 2 -1/10 = 1/f। क्रॉस होगा तो f बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू, पहले सवाल का आंसर हमारे पास -10 सेंटीमीटर आया है। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था आज का, जो कि सॉल्व हो चुका है। f की वैल्यू फाइंड करने थी मिरर फार्मूला लगा के, p और q दिया हुआ था, p पॉजिटिव था, q पीछे था, q नेगेटिव था, उसको सॉल्व किया है तो f का आंसर -10 सेंटीमीटर आया है। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं आज का अपना दूसरा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 12.2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। वो एक कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ी हुई है, विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हमने मालूम करनी है पोजिशन इमेज की, क्यों फाइंड करना है, एंड सेकेंड थिंग इज हाउ हाई इट इज, और हमने हाइट ऑफ इमेज एच आई मालूम करना है। ये दो चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्यों मालूम कर लेंगे इन तीनों को यूज करते हुए। 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q। इसमें 1/f 1/16, p की वैल्यू हमारे पास 10.5 है, प्लस 1/q, तो 1/16 -1/10.5 इज इक्वल टू 1/q। इसके अब दो मेथड हैं, आप जो मर्जी लगा लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा क्योंकि अगर मैं इधर कैलकुलेशन करने लग गया तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 1/16 है, 1/10.5 है, आप 1/16 को डिवाइड कर लो कुछ आंसर आ जाएगा वो इधर लिख लो, 1/10.5 को डिवाइड कर लो कुछ आंसर आएगा उसको इधर लिख लो, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर लो कुछ जवाब हमारे पास आ जाएगा, जो जवाब आएगा उसको क्यू की जगह पर ले आओ और क्यू को इधर ले आओ तो आपका क्यू का आंसर आ जाएगा। मैं सिंपली आपका जो क्यू का आंसर है वो लिखने लगा हूँ, इसको आप लोगों ने सॉल्व खुद कर लेना है। हमारे पास क्यू का आंसर आएगा 30.54 सेंटीमीटर।
उसके बाद जो हमारा दूसरा फार्मूला लगेगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला लगेगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। हाइट ऑफ इमेज हमने मालूम करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30.54 और पी की वैल्यू थी 10.5। ये 30 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 30। आपने इस पर इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी और हाइट ऑफ इमेज हमारी आती है 87.26 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आज का हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कॉनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये हमारी सेम है, बराबर है। येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा होगा, हमारी पी की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने मालूम क्या करना है फोकल लेंथ। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर है, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर पी। अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हैं तो ये फिर इनका आंसर क्या आएगा 1 के इक्वल, क्योंकि बराबर हैं दोनों तो कट जाएंगे, क्यू ओवर पी। अब पी इधर आ जाएगा ऊपर, पी इज इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो हमारी क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, तो हमारा क्यू भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारा पी भी 20 सेंटीमीटर आ गया, क्यू भी 20 सेंटीमीटर आ गया, 1/f = 1/p + 1/q = 1/20 + 1/20, 20 आपका एलसीएम, 1 + 1 = 2/20, 1/10 आ जाएगा = 1/f। अब क्रॉस होंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये आपका f का आंसर आ गया है। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर था 12.3 ये भी सॉल्व आउट हो चुका है। इसके बाद आज का हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट। अच्छा, हमारी इमेज बन रही है और उसका जो फासला है वो 5.66 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर है, तो हमारा जो Q की वैल्यू है -5.66 सेंटीमीटर है। इसके बाद वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट का फासला है वो 34.4 सेंटीमीटर है। इज द कनकेव मिरर आर कन्वेक्स, अब इसकी दो चीजें हमने मालूम करनी है, एक तो ऊपर उसने बोला कि फोकल लेंथ मालूम करें और दूसरा कह रहा है कि वो बताएं कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा। तो 1/f = 1/p + 1/q, तो 1/34.4 - 1/5.66, तो इसका आंसर आप लोगों ने या एलसीएम लेकर कर लेना है पहले जिस तरह मैंने बताया, या 1 पे इसको डिवाइड कर लेना है, 1 पे इसको डिवाइड कर लेना है, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर लेना है, तो आपकी जो फोकल लेंथ आएगी वो -6.77 सेंटीमीटर आएगी। तो ये हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी। अब देखिए आंसर हमारा माइनस में आया है, तो आपकी जो टेबल आपने पढ़ा था उसके मुताबिक जब आपका कन्वेक्स मिरर होता है तो आपका फोकल लेंथ माइनस आता है, तो मिरर कौन सा होगा कन्वेक्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.4 था, आज हमने पहले 4 न्यूमेरिकल किए हैं, ये आपके मुकम्मल तौर पर क्लियर होने चाहिए। आज 4 सिर्फ इसलिए किए हैं कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है,
आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से, तो इसलिए ये आपने न्यूमेरिकल मुकम्मल तौर पर क्लियर करने हैं आज। इंशाल्लाह अगले चार हम कल करेंगे और फिर नेक्स्ट डे को हम ये चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।